हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास जो फ़ोन है, अनबॉक्सिंग करता हूँ और देखते हैं इसमें कौन कौन से डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये इसका बिल है, इसको रखते हैं हम साइड में। अब हम इसको ओपन करेंगे। या फिर यहां से कट करते हैं। रैपर को यहां से हटा दिया है और यहां से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहां से इसको हम ओपन करेंगे और यहां पे फ्रेंड्स इसमें आपको कवर भी देखने को मिलता है। और यहां पे कवर है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी है। कवर मेरे को पसंद आया। अगर ये बाय चांस अगर गिरता है तो यहाँ पे ये डेंट पेंट नहीं आने वाला। और यहाँ पे आपको मोटी सी बुकलेट मिलता है, यानी कि गाइड वाला आपको देखने को मिलता है। और इसी में एक सिम इजेक्टर टूल दिया गया है। तो चलिए अब इसको रखते हैं साइड में। कुछ ऐसा लुक दिखता है फ़ोन का, काफ़ी अमेजिंग लुक दिख रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है। फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं कि इसके वीवो का जो फ़ोन होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और काफ़ी जो कि कलरफुल होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको मैं फटाफट से बूट कर लेता हूं। जब तक ये बूट हो रहा है मैं इस बॉक्स को इधर रख देता हूं। यहां पे आपको चार्जर वगैरह देखने को मिलता है। साथ में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि और कंपनी वाले ईयरफोन्स नहीं देते हैं, लेकिन आपको इसके साथ में ईयरफोन्स भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये अडाप्टर जो USB टाइप सी चार्जर देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं, और फ्रेंड्स अडाप्टर की बात करें तो 33 वॉट का आपको चार्जर देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा है। देख सकते हैं यहाँ पे सिम डालने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा चीज़ है जो कि मेरे को हाइब्रिड सिम आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है, जो कि काफ़ी बेकार होता है। और इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं काफ़ी शाइनिंग है और काफ़ी मतलब टेक्सचर काफ़ी अच्छा दिया गया है। और ये ग्लास बॉडी आपको देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी शाइनिंग देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप साइड में आपको ऊपर में आपको देखने को मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक सेकेंडरी माइक आपको देखने को मिलता है जो कि आपको दिख रहा होगा। और साइड में आपको वॉल्यूम डाउन और अप करने का ऑप्शंस देखने को मिलता है, साइड में आप देख सकते हैं। और नीचे में आपको स्पीकर के साथ साथ आपको चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, प्लस आपको माइक देखने को मिलता है और साथ ही साथ में 3.5 mm जैक देखने को मिलता है जो कि ईयरफोन के लिए है और माइक के लिए। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी कैमरा की। तो कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल जो कि मेन कैमरा है, जो कि काफ़ी अच्छी कैमरा निकल के आती है आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स MediaTek Helio G95 आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि Dimensity प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर अभी चिपसेट माना जाता है। और फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि इसका AMOLED डिस्प्ले है। डिस्प्ले का मैं ब्राइटनेस आपको बढ़ा के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ब्राइटनेस भी काफ़ी कूल है, जो कि बैकग्राउंड भी काफ़ी मेरा हट चुका है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्राइटनेस है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि आपको यहाँ पे मेन कैमरा आपको देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया है, एक बार फोकस कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ में जो सेकेंड कैमरा है जो कि और दो कैमरा है, 2-2 मेगापिक्सल का सेकेंड आपको कैमरा दोनों देखने को मिलता है, जो कि वाइड एंगल और डिप सेंसर आपको कैमरा देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव कैमरा वगैरह। इसमें आपको एक चीज़ आपको देख, और फ्रेंड्स इसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्री इंस्टॉल्ड ऐप है। इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा ऐप देखने को मिलेगा इस फ़ोन में। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं भर भर के ऐप दे देता है। और फ्रेंड्स जो कि बैटरी की बात करें तो आपको 4000 mAh बैटरी देखने को मिलता है। और कैमरा की तो आप देख सकते हैं डे लाइट में काफ़ी अच्छी क्वालिटी फ़ोटोज़ वगैरह आए हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो बैकग्राउंड है काफ़ी अच्छे ब्लर किया है, आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है वॉलपेपर है, काफ़ी अट्रैक्टिव आपको देखने को मिलता है।
और ये मेरा सेल्फी है जो कि डे लाइट में लिया गया है, यानी कि दिन के अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर जाके मैंने क्लिक किया है। और ये भी काफ़ी अच्छी डिटेल वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे घर वगैरह आप देख सकते हैं, ये सब डिटेल काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया है। ये कुछ बाहर मेरे प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं तो उसका मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किया है। और यहाँ पे ये सेकेंड प्लांट से भी डे लाइट में आप देख सकते हैं मैंने किया है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ऑब्जेक्ट को फोकस किया और बाकी सबको ब्लर किया है। और ये मेरा अभी ऑफिस का है जिसमें अभी शूट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, जबकि एक बल्ब लगा हुआ है, कोई ज़्यादा बल्ब वगैरह नहीं लगा, फिर भी आप देख सकते हैं क्लैरिटी काफ़ी कमाल की आ रही है। तो फ्रेंड्स, क्वालिटी वाइज कैमरा आपको निराश नहीं करेगा, काफ़ी अट्रैक्टिव है ये फ़ोन। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप चाहते हैं कि गेमिंग के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। का दो मतलब और कैमरा देखने को मिलता है जो कि, और साथ में फ्लैश लाइट देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से इस फोन को हम सेटअप कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट चेक करते हैं, तो फिंगरप्रिंट काफी फास्ट है आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है इसका फिंगरप्रिंट, आप देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव फ़ोन भी लग रहा है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके एंड्रॉयड वर्जन की, तो एंड्रॉयड वर्जन आपको मैं इसके सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ। एंड्रॉयड 11 पे आपको देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है ये, जो कि आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 11 पे ये रन कर रहा है इसका सॉफ्टवेयर। और फ्रेंड्स, इसकी स्टोरेज की बात करें तो आपको 128 GB स्टोरेज देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, और 8 GB रैम प्लस आपका 3 GB एक्सटर्नल रैम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। और को डायमंड सिटी आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है।